स्टैंडर्ड 7 यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस। आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है। आपको वर्कबुक का पेज नंबर 8 निकालना है। हमने एक्सप्लेन लेसन का कर लिया है, अभी हम वर्कबुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वर्कबुक का पेज नंबर आपको निकालना है 8, एक्टिविटी 4। हियर आर सम वेज यू कैन सेव वाटर और मूव्स यूज इट। यहाँ पर ऐसे तरीके दिखाए गए हैं जिससे आप पानी की बचत कर सकते हैं या उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। टेक टॉक टू योर फ्रेंड, उस आपके दोस्त से बात कीजिए एंड पुट देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम, और आपको उसको अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन है, यूज ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, उतना ही पानी आपको इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपको चाहिए। तो ये कौन सी कॉलम में आएगा? डूज यानी जो हमको करना चाहिए, और डोंट्स यानी हमको जो नहीं करना चाहिए। तो ये वाली फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो डूज में आएगा कि हमको ये करना चाहिए कि जितना पानी हमको चाहिए उतना ही हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज़, तो ये भी हमको करना चाहिए ना, यूज़ करने के बाद हमको टाइटली बंद कर देना चाहिए जो टैप्स होते हैं वो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे एक के बाद एक सेंटेंसेस है वो रीड करना है और लिखते जाना है। फिर थर्ड में है यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर, बकेट का यूज़ करना है, शावर का यूज़ नहीं करना है। थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स वेन ऑन पिकनिक्स, कहीं पे भी कचरा फेंक देना है पिकनिक्स होने के बाद। ये सारे सेंटेंस आपको प्रॉपरली रीड करने हैं, और डूज और डोंट्स यानी कि डूज यानी हमको ये करना चाहिए और डोंट यानी जो नहीं करना चाहिए उसके लिस्ट में आपको लिखना है। उसके बाद में है एक्टिविटी 5, वर्क विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट योर डेली एक्टिविटीज वेयर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यूज़ है वो डायरेक्टली यूज़ होता है, फैन है वो डायरेक्टली यूज़ होता है, पंखा चालू करते हैं स्विच दबाते हैं चालू हो जाता है, ये डायरेक्ट यूज़ हुआ। और इनडायरेक्ट यूज़ में है फूड वी ईट, खाना हम खाते हैं तो उसको वो बनता है, गर्म होता है, फिर उसका यूज़ होता है ना, तो एनर्जी है वो पहले बनती है फिर हम उसको खाते हैं, तो फूड वी ईट है वो इनडायरेक्टली यूज़ है। ऐसे ही हम हीटर्स यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली यूज़ होता है, लेकिन बुक्स वी रीड जो हम पढ़ते हैं, बुक्स हमको मिलती है वो इनडायरेक्टली, यानी कि बुक्स वी रीड हम पढ़ते हैं किताबें तो उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है ना, तो वो एनर्जी कौन सी होती है? इनडायरेक्टली होती है, ठीक है। फिर यूज़ एयर कंडीशनर, कोई भी गैजेट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली यूज़ होता है, लेकिन फर्नीचर हम यूज़ करते हैं तो फर्नीचर है वो इनडायरेक्टली यूज़ होता है, उसमें भी एनर्जी होती है ना, फर्नीचर बनाने में भी मेहनत लगती है, तो ये भी इनडायरेक्टली यूज़ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी कॉलम्स हैं वो लिखनी है। डायरेक्ट यूज़ में मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी की आइटम है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आयरन लिख सकते हो, हीटर लिख सकते हो, ये सारी यूजेज है वो डायरेक्टली होते हैं। और इनडायरेक्टली यूज़ में जो चीज़ें आप यूज़ इनडायरेक्टली करते हो वो आएगा, ठीक है, जिसमें एनर्जी यूज़ होती है इनडायरेक्टली वो आएंगे। उसके बाद में है एक्टिविटी 6, डू यू नो वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, कहाँ से एनर्जी आपको मिलती है, आपको पता है? वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि हम हमारी रोज़ की ज़िंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोज़ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी का स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नॉट ईजी, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करना है वो एकदम ईजी बात नहीं है। देर आर मैनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सारे जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, बहुत सारे होते हैं। दीज इंक्लूड, उसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी है जैसे कि पेट्रोलियम, केरोसिन, कोल, ये सारे, एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, और रिन्यूएबल सोर्सेज है जैसे कि वाइंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी विल एंड वन डे, यानी कि ये सारे जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल कौन सी थी? केरोसिन है, कोल है, वो सारे एक ही बार यूज़ होते हैं,
कभी ना कभी तो वो पूरे हो जाएंगे। दे आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन थर्मल पावर स्टेशन, ये सारे हैं वो थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड गैसेस लाइक सीएनजी एंड एलपीजी आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स। पेट्रोल, डीजल है, गैसेस है, सीएनजी या एलपीजी जैसे वो हमको व्हीकल्स चलाने के लिए यूजफुल होते हैं। और खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी ये एनर्जी यूज होती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो पोल्यूट द एनवायरमेंट। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो एनवायरमेंट को भी दूषित करते हैं। हावेवर दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टूडे, लेकिन वो अभी प्राइमरी सोर्स है। बट इट्स टाइम नाउ दैट वी टर्न टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लेकिन अब समय आ गया है कि हमको रिन्यूएबल सोर्सेज है जैसे कि सन एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। एंड एनर्जी कंजर्वेशन हो, एनर्जी का बचत भी करनी चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो क्वेश्चन है, विच आर टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है? तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल एंड वन डे, क्योंकि वो कभी ना कभी बंद हो जाएंगे। फिर दे आर वेरी कॉस्टली, वो सारे कॉस्टली भी है, महंगे भी है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है एक्सरसाइज नंबर टू, द एनर्जी सोर्सेज मेंशनड आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी सोर्सेज हमने देखे कि रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। डू यू नो दैट री इन रिन्यूएबल कैन बी यूज इन फॉर्म मेनी अदर वर्ड्स। री का यूज है वो बहुत सारे दूसरे वर्ड्स में भी होता है। यू कैन यूज आर ई एज ए प्रीफिक्स लाइक अन, मिस, डिस, प्री एक्सेट्रा। आप प्रीफिक्स का यूज है, दूसरे है उसका भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल री यूज, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं आपको वो आपको रीड करने हैं एंड टिक मार्क द वर्ड्स वेयर प्रीफिक्स री है वो यूज हो सकता है। आर ई यूज होता है वो वर्ड्स के ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जिसमें आप आर ई का यूज कर सकते हो, उसको आपको टिक करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि साइकिल, तो हम बोल सकते हैं रिसाइकल। बिल्ड, तो रीबिल्ड, ठीक है। तो जिसमें भी आर ई का यूज हो सकता है वो सारे वर्ड्स को टिक करना है, ठीक है। ये आपको खुद ही करना है, डू इट योर सेल्फ। बॉल पेन से ही आपको लिखना है, कोई भी पेंसिल से नहीं लिखेगा। यहाँ पर हमारा एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट होता है, आपको आपकी खुद की तरह ही करना है, बॉल पेन से ही करना है, ठीक है।